तो बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 के कुछ सवाल देखते हैं। तो 1.6 पूरी घातों पर आधारित सवाल है बेटा। जैसे घात a की घात m इंटू a की घात m, यदि आधार समान है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। आधार समान है और गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी a की पावर m प्लस 1। यहाँ पे आधार समान है और भाग में है बटे में है तो घातें आपस में घड़े आएगी ए की पावर एम माइनस वन, और घात के ऊपर घात है तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर एन की घात एन टू ए की पावर एम इंटू एन। देखते हैं पहला सवाल पहले का पहला है 64 की घात 1/2। देखें अपन इसको, 64 अपने मालूम है कि 8 की घात 2 64 होता है, 8 × 8 की घात 1/2, 8 × 8 यानी 2 बार 8, 8 की घात 2 की घात 1/2, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखें आप 8 की घात 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 की घात 1 यानी आपका आंसर आ गया 8। अगला सवाल देखें 32 की घात 1/5, यानी अपने पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की घात 1/5, 2 की घात 5 32 होता है, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, 2 की घात 5 की घात 1/5। फिर आप देखेंगे घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा 2 की घात 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 1 यानी आपका आंसर आ गया 2। यहाँ देखें 125 की घात 1/3, आप तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 की घात 1/3 यानी 5 की घात 3 की घात 1/3 यानी 5 की घात 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 1 आंसर आ गया 5। इस टाइप से पहले के 3 सवाल हुए और दूसरे के 3 सवाल देखते हैं। सूत्रों पर आधारित सवाल पूरे, तीनों सूत्र ऊपर लिखे हैं, इन्हीं पर डिपेंड है पूरे सवाल। दूसरे के 3 सवाल देखें, दूसरे का पहला सवाल है 9 की घात 3/2, नौ की घात कितना है तीन बटे दो। तो देखो 9 को तोड़ लेंगे 3 × 3 की घात 3/2। अब देखें 3 की घात 2 की घात 3/2, फिर घात के ऊपर घात वाला आ गया तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा 3 की घात 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की घात 3 यानी 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 3 27 इसका आंसर आ जाएगा। अगला दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5। देखें अभी अपन लास्ट राउंड तोड़ा था 32 को, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की घात 2/5, 2 5 बार आया तो 2 की घात 5 की घात 2/5, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा 2 की घात 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की घात 2 यानी 2 × 2 = आंसर आएगा 4। अगला देखें तीसरा सवाल है 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4 मतलब 16 को तोड़ लेंगे अपन, 2 × 2 × 2 × 2 की घात 3/4, 2 4 बार आया 2 की घात 4 की घात 3/4, फिर घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा 2 की घात 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3 यानी 2 × 2 × 2 आंसर आया 2 × 4 × 8। अगला देखें लास्ट सवाल है 125 की घात -1/3, दूसरे का सबसे लास्ट 125 की घात -1/3। देखें दूसरे का चौथा 125 की घात -1/3। अब देखें अभी अपन ने इसी टाइप का करे तो पहले का तीसरा भी यही था, 125 की घात -1/3 यानी 5 × 5 × 5 की घात -1/3 यानी 5 की घात 3 की घात -1/3 यानी फिर 5 की घात 3 × -1/3, 3 से 3 गया, 5 की घात -1। अब 5 की घात -1 को प्लस में चेंज करना है तो बटे में ले आए, घात ऊपर से नीचे आती है तो ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाएगी, 1/5 आएगा।
इसका आंसर। नेक्स्ट देखें हम तीसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट कर लें। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है, 2 की घात 3/2 × 2 की घात 1/5 आधार समान है बेटा, तो यार लग जाएगा आधार समान है, घाते आपस में जुड़ जाती है, आधार समान में है और गुणा में है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी। यहां देखिए आप 2 की घात 3/2 × 1/5 2/3 × 2/3 × 1/5 यहां पे 2 की घात ऊपर 15 3 का 15 5 बार जाएगा और 5 × 10 5 का 5 में 3 बार 5 का 15 में 3 बार और 3 × 1 = 3 तो आंसर आपका आएगा 2 की घात 13/15 यह आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है तीसरे का दूसरा देखिए सवाल है 1/3 की घात 3 टोटल की घात 7। अब देखें यहाँ ना आधार समान है कुछ है, ऊपर की घात को दोनों बांट दें तो 1 की घात 7 और 3 की घात 3 × 7 घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, 1 की घात 7 1 और 3 की घात 3 = 21 ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल जो आपका है तीसरे का तीसरा और चौथा दोनों देखते हैं। तीसरा सवाल है 11 की घात 1/2 11 की घात 1/4 देखो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, आधार समान है बटे में है भाग में है तो घातें आपस में घड़े आती हैं, तो यहाँ पे देखें 11 की घात 1/2 − 1/4 यहाँ लघुत्तम लेंगे आप 2 और 4 का तो 8 आएगा लघुत्तम लिखा करेंगे 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा 4 × 4 और 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा 2 × 2 हल करने पर 11 की घात 2/8 यानी 11 की घात 2 × 8 = 1/4 ये आंसर आएगा 11 की घात 1/4। अगला देखें अपन लास्ट सवाल तीसरे का चौथा है 7 की घात 1/2 × 8 की घात 1/2 अब देखो आधार समान है लेकिन घात समान है, तो घात समान है तो दोनों की घात एक कर देंगे अपन, तो यहाँ पे 7 × 8 की घात 1/2 यानी 56 की घात 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा,